हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमारे जो ये सारे टॉपिक चल रहे हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड. अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल में लाइब्रेरीज के ऊपर है कि लाइब्रेरी क्या होती है. लाइब्रेरी सभी ने सुनी है, बच्चों ने भी, और आप अभी प्यूपल टीचर्स हैं, आपको भी पता होगा लाइब्रेरी क्या होती है. आप लाइब्रेरीज़ का यूज़ भी करते हैं, स्कूल में भी लाइब्रेरीज़ होती है, आपके कम्युनिटी में भी सरकारी जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं वो भी होती हैं. तो उनको एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा गया है, हमारे इंस्ट्रक्शन मटीरियल्स में क्यों रखा गया है, आप एक बार सोचने वाली है यहाँ पे कि जितना भी अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो सबका दिमाग पहले स्कूल की तरफ ही भागता है कि स्कूल में लाइब्रेरीज होती है. आपने सोचा हमारी कम्युनिटी और जो हमारी सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती है वो क्यों रखी गई है? अगर सारा बेसिकली जो हमारी लाइब्रेरीज़ का यूज़ है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है और स्कूल के लिए रिलेटेड है, तो स्कूल से बाहर क्या पर्पस है? जो कम्युनिटी में और सोसाइटी के अंदर हमारी एजुकेशन है उसका क्या, मतलब जो लाइब्रेरीज़ है उनका क्या पर्पस है? बेसिकली दोनों का एक ही पर्पस है. जो हमारी हमें लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो स्कूल के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिटी या सोसाइटी में जो हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं. गवर्नमेंट लाइब्रेरी या हम बेसिकली जो लाइब्रेरी होती है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है स्टडीज़ करने का जो सीखना चाहता है, जैसे बच्चा है या जो लर्नर है उसके लिए वो सारी सुख सुविधाएं, ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा एक स्पेस देता है जो उसके सीखने में किसी प्रकार का बाधक उत्पन्न ना करे. मतलब अगर आप घर पे पढ़ते हैं, मान लीजिए आप घर पे स्टडीज़ कर रहे हो, बीच में टीवी चल गया तो आपका दिमाग टीवी की तरफ चला जाएगा, साउंड्स आ रही है वहाँ पे चला जाएगा, मम्मा ने बुला लिया उसमें आप डाइवर्ट हो जाओगे. तो आपने टारगेट बना के तो बैठे हो 5 घंटे की स्टडीज़ करनी है, लेकिन उसमें की कितनी, आपने 1 घंटे की भी पूरी स्टडीज़ नहीं करी, राइट? लेकिन टाइम क्या आपने वो पूरा 5 घंटे लगा दिया किताब को सामने रख के. तो इसीलिए हमें लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ दी जाती है जहाँ पे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ पे किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, कोई बाहर का साउंड ना हो और कोई आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, ठीक है? और सेकेंड चीज़ ये, जो आपको अपनी कम्युनिटी और आपको सोशल लाइफ से जोड़ कर रखे. सोशल लाइफ ये नहीं कि आप FB, व्हाट्सअप और ये सब चला रहे हो, इंस्टाग्राम, वो चीज़ नहीं. सोशल लाइफ मतलब आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी के लिए वो कैसे यूज़फुल है, आपको कौन सी चीज़ें गेन करनी है अपनी सोसाइटी के पर्पज़ के लिए, या वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये होती है आपकी लाइब्रेरी, जो आपको पता ही है कि जहाँ पे पुस्तक, इसको हिंदी में पुस्तकालय कहा जाता है, और पुस्तकालय का मतलब कि जहाँ पर पुस्तकों का मेला लगा हो, जहाँ पे पुस्तक ही पुस्तक आपको मिले, मतलब बुक्स ही की बुक्स की वैरायटीज़ हों. आप कभी लाइब्रेरी में गए भी होंगे फिजिकली, आपने अगर वहाँ पर विज़िट किया है तो आपने भी देखा होगा कि रैक्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत आपकी हाइट से काफ़ी बड़ी, आपका हाथ भी नहीं जाता. आप वहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ करते हो, बेंचेस का यूज़ करते हो, स्टूल्स का यूज़ करते हो चढ़ने के लिए. आपने हैरी पॉटर देखी होगी या हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी, उसमें कितनी बड़ी बड़ी नेशनल लाइब्रेरीज़ और ये सब दिखाई जाती हैं, ठीक है? तो वो क्या है, सबके अंदर वहाँ पे बुक्स होती हैं जो आपको पढ़ने के लिए सुख सुविधा, और एक आपको कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है लाइब्रेरी का, जिससे ये जानकारी रहती है कि आपने कब कितने बजे विज़िट किया, कौन सी बुक ली. अगर आपसे कोई बुक रिप्लेस नहीं होती है या मिस हो जाती है तो वो आप पे फिर पेनल्टी करते हैं उस चीज़ की, क्योंकि उसका संग्रहण करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर आपके लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई है फ्री में, अगर आप बुक्स मार्केट से ख़रीद के पढ़ोगे तो वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे आपको, लेकिन अगर आपको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में या उसको संग्रहित करके ठीक से संभाल के रखें. तो इसीलिए लाइब्रेरीज के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ भी रखी जाती है, ओके? तो अब मोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके बारे में, फिर हम यूजेस, लिमिटेशन और एडवांटेज की तरफ चलेंगे. तो लाइब्रेरी बेसिक ऐसा एक आपको डिपार्टमेंट नहीं, क्या ऐसे ऑर्गेनाइज सिस्टम दिया जाता है जहाँ पे आपकी बुक्स होती हैं,
एक कार्ड फैसिलिटी दी जाती है आपको, जिसको टच करा के, मतलब जिसके द्वारा आपकी एंट्रीज के द्वारा आपको बुक्स दी जाती हैं, देन आप उसको बाद में रिटर्न भी करते हो, देन आप दूसरी बुक्स इशू कर सकते हो पढ़ने के लिए। एक टाइम लिमिट होता है आपके पास कि आप इस बुक्स को इतने टाइम तक ही रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जब नंबर ऑफ बुक्स होती हैं तो हो सकता है कि एक बुक की कम ही नंबर्स हों, पांच ही बुक हों, दस बुक हों, तो अगर आप ही उस एक बुक को लेके पूरे साल भर के लिए बैठ जाओ तो बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने टाइम पे पढ़ने के लिए 2 वीक्स और 1 वीक के बाद इसको वापस रिटर्न करना है। देन ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपको ये वाली बुक 2 से 3 बार दी जाएगी, चौथी बार नहीं दी जाएगी सेम बुक। इस टाइप की फैसिलिटीज़ भी क्या है लाइब्रेरी के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की, कि आपके लाइब्रेरी बनाने के क्या लाभ हैं स्कूल के अंदर, क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं स्कूल एनवायरनमेंट में, क्यों सिर्फ क्लासरूम का यूज़ नहीं करते कि टीचर आए पढ़ाए ज्ञान दे बात ख़त्म, क्यों हमें लाइब्रेरी वगैरह की ज़रूरतें पड़ती हैं इस बात की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, क्रिएट अ डेवलप टू मोटिवेटेड, मतलब बच्चे के अंदर अपने आप को मोटिवेट करने की भावना जागृत करने के लिए लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है और उसको पता है कि वो वीक है या मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो मैम से पूछने में भी डर रहा है, और उसके घर पे क्या है, इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो ट्यूशंस ले सके, तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में, लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकता है, वहाँ से एक्स्ट्रा बुक्स ले सकता है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता है और अपने आप को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगर उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया कि अब सेल्फ प्रिपेयर, कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग ट्यूशन से भी पढ़ते हैं, लेकिन ट्यूशन्स वगैरह से इतनी अच्छा हमें मतलब पढ़ाई करी हमने, ठीक है हमारे 50% मार्क्स आए, लेकिन सेकंड टाइम जब पढ़ाई करी हमने तो सेल्फ मेड नोट्स से करी, अलग अलग बुक्स से नोट्स बनाए उससे करी, देन हमारे 99% आ रहे हैं। तो हम आगे अपने से इसी चीज़ में मोटिवेटेड रहेंगे कि हमें खुद से पढ़ाई करनी है, खुद के सेल्फ नोट प्रिपेयर करने हैं, जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। देन है फ्लेक्सिबल एंड फिजिकल एंड डिजिटल लर्निंग बाय द आपकी बाय द लाइब्रेरी। ओके, तो इसमें क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है लाइब्रेरी की, तो एक लचीलापन दिया जाता है, मतलब आपके साथ वहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं किसी प्रकार की, आपको जो मन चाहे, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो, थोड़ी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, थोड़ी फ़न वाली हो, मैगजीन्स हो, आप किसी भी प्रकार की वहाँ पर बुक्स लेके बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर किसी के दिमाग में एज अ टीचर या एज अ मदर पेरेंट्स के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि बच्चे का नॉवल पढ़ना गलत है, बच्चे का मैगजीन्स पढ़ना गलत है, सिर्फ उसको पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी मैथ साइंस की, एजुकेशनल की रिलेटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट या मैगजीन्स और नॉवल्स पढ़ना इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो बच्चे के अंदर एक लर्निंग पावर डेवलप करता है, एक ऐसी भावना जागृत करता है कि वो इतने घंटे बैठकर पढ़ाई कर सकता है, किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद भी वो बोर नहीं होता है। तो अगर नॉवेल्स मैगजीन्स पढ़ के पहले वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है या अपनी सिटिंग पावर इंक्रीज कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे जब अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और स्कूल से टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, उसमें कोई बोरियत देखने को नहीं मिलेगी और वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा भी तब भी क्या रहेगा, लर्निंग करने में इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसमें बोलते हैं ना, जिस बच्चे को लर्निंग उसकी अच्छी करवानी है या किताबों की तरफ उसको फोकस करना है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देते रहो कि वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, उसकी हैबिट ऐसी बना दो कुछ ना कुछ पढ़ने वाली, क्या वो मैगजीन्स पढ़े, नॉवल्स पढ़े या चुटकुले पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो वो क्या होगी, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि उसकी आदत बन जाएगी उसको कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो जब वो सारी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें खत्म कर देगा फिर सोचेगा क्या पढ़ूँ, चलो मैं अपनी बुक्स उठा के पढ़ लेता हूँ, तो वो एक होते हैं किताबी कीड़ा बन जाते हैं या पढ़ने की आदत डेवलप हो जाती है। वो सारी हैबिट्स क्या है, लाइब्रेरी के थ्रू हम बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे की एक पढ़ने की आदत बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी लाइब्रेरी के थ्रू हमें फ्लेक्सिबिलिटी और एक फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट दिया जाता है उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्रेस या लर्निंग प्रोग्राम्स, हमें क्या है लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर
आपको क्लासरूम के अंदर बुक दी जाए, चलो मैगजीन ही दे दी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही बुक दी जाए, मैगजीन ही दे दी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी शायद हो सकता है कि आप इतने सारे बच्चों के सामने पढ़ने में डरो, या आपको कोई हेजिटेशन हो रही हो, या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो, या आपको जो आप खुद के लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड करना चाहते हो वो आपका फ्रेंड चीटिंग ना कर ले, वो वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही हो, तो इसीलिए हमारी लाइब्रेरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोवाइड हमें करती है, प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जिससे हम इंडिपेंडेंटली बिल्कुल स्वतंत्र होकर पहले अपनी पुस्तक का चुनाव कर सकें, फिर आराम से अकेले बैठ सकें, एक आराम का एनवायरनमेंट हमें मिल सके, देन हम अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकें। इट मींस जो आपकी लाइब्रेरी होती है वो आपको इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है टू कनेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको लाइब्रेरी सोशल और अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपकी आप 8th क्लास में हो, आपकी मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ही आपको वहाँ पे हज़ारों बुक मिलेंगी, कभी लाइब्रेरी आपने विजिट किया हो या बाकी सब चीज़ें, तो आपने देखी होगी बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या फिर जो खोजें हुई हैं, जो डिस्कवरीज हुई हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग तरह की बुक्स भी वहाँ पे मिलती हैं। तो ज़रूरी नहीं, वो भी तो आपकी साइंस से रिलेटेड है, अगर बच्चा अपनी साइंस की बुक पढ़ रहा है, अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग है वो ये जानने के लिए कि आज तक मेरे समाज में क्या क्या डिस्कवर्स हुए हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, कौन चांद पे गया, किसने बल्ब बनाया, किसने रोशनी की वो खोज करी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे को हमारे सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के साथ भी जोड़ती है, बच्चे को पता रहता है हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या पहले हो चुका है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट दी स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज़, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज़ में भी क्या है, सपोर्ट करता है। अगर मेरे पास अगर एक ही बुक है एक राइटर की और उसके अंदर मेरे को इतना सा कंटेंट मिल रहा है, तो अगर मैं इतना सा कंटेंट लर्न करके पेपर में लिख कर आऊँगी तो मुझे मार्क्स भी इतने से ही मिलेंगे, राइट। तो लेकिन मैं अगर 5 बुक या 3 बुकों में से वही सेम में से अलग अलग कंटेंट उठाऊँगी तो मेरे को मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास वैरायटी ज़्यादा होगी, तो मैम क्या है उस वाले बच्चे को ज़्यादा नंबर देंगी जिसके पास वैरायटी ज़्यादा है, या उस बच्चे को जिसने वैरायटी कम लिखी है, ऑफकोर्स जिसको ज़्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वैरायटी ज़्यादा है, उसी को नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो बच्चों को उनकी लर्निंग में या बच्चे की स्टडीज़ में हेल्प करती है हमारी लाइब्रेरीज, जो हमें किसी भी प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल कराती है, वहाँ पे बुक्स अवेलेबल कराती है, जो हमारी स्टडीज़ में बच्चे के लिए हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है बोरो द बुक्स टू टेक देम एट होम, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरीज़ का इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी बुक को इशू करा के वो अपने घर लेके जा सकते हैं, राइट। अगर आप मार्केट से किसी बुक को ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे आप घर तो लेके जा सकते हो, ख़रीदने के बाद वो तो आपकी हो गई, लेकिन वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर आपने मैम की कोई बुक ली है या अपने फ्रेंड से कोई बुक शेयर की है तो फिर वो कहेगा कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे अभी वापस चाहिए, देन आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हो या फिर जो आपको चाहिए वो नहीं कर सकते हो। तो लाइब्रेरी से अगर आपको सेम बुक मिलती है वहाँ से इशू करवा के आप क्या कर सकते हो, उस बुक्स को एक टाइम के लिए अपने पास लेके जा सकते हो घर पे, देन वहाँ पे फ्री ऑफ माइंड अपना जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हो। मेनली यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये है कि एक फैसिलिटी लाइब्रेरीज के थ्रू ऐसी प्रोवाइड कराई जा सकती है कि आप अपने पुस्तक को बुक्स को क्या हो घर पे लेके जा सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है टू मेक द एक्स्ट्रा नोट्स, हम एक्स्ट्रा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू, अपना कंटेंट बढ़ा सकते हैं, अपनी डीप नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और एक्स्ट्रा ज़रूरी तो नहीं ना, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th क्लास में है तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो जो हमें NCERT के थ्रू बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं 12th की, तो बच्चा बस वो 12th की ही बुक पढ़े। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी उसको सेम टॉपिक मिल रहा है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, तो वो उसको भी इंक्लूड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता है, तो उसमें क्या होगी, उसी की नॉलेज बढ़ेगी। जब वो वापस क्या है ग्रेजुएशन में जाएगा तब उसको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज उसके पास पहले से है, उसने उसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए या बाकी चीज़ें प्रिपेयर की, तो उसमें क्या है उसको किसी तरह की दिक्कत आगे नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट आता है द बेटर कमांड ओवर द सब्जेक्ट. मतलब अगर बच्चे के पास एक मतलब बच्चे की एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छी कमांड नहीं है, वो लाइब्रेरी हमारी हेल्प करती है बुक्स के थ्रू कि बच्चा अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड बना सकता है. जैसे अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि बच्चा किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर डीप नॉलेज गेन कर सकता है. ठीक है, मैथ्स में अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपने एक राइटर की बुक उठाई, उसने फॉर्मूला पुट करके कुछ अलग वे में सॉल्यूशन दिया था, दूसरे की उठाई उसने फॉर्मूला पुट करके अलग से कुछ और दिया हुआ था, या इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही, दो पेज की है, मुझे इसकी समझ आ रही है आधे पेज में ख़त्म हो गया, तो आप आधे पेज वाले को ज़्यादा प्रेफर करोगे. तो इसीलिए लाइब्रेरीज जब हमें ऐसी वेराइटीज़ प्रोवाइड करती है अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग बुक्स की, तो वहां पे क्या है, बच्चे उनका यूज करके अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं कि मेरे लिए ये ट्रिकी आइडिया सबसे बेस्ट है या कम टाइम कंज्यूमिंग है या एक्सेट्रा. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया. इसके बाद बात करते हैं पीसफुल स्पेस. जो हमारा लाइब्रेरी है वो आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें किसी भी तरह के की डिस्टर्बेंस बच्चों को नहीं होती है. एक प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे प्रॉपर बेंचेस होते हैं, प्रॉपर स्टूल्स होते हैं, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम्स होता है और एक्स्ट्रा नॉइज़ डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि आपको बाहर गाड़ियों की ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है. हमेशा ट्राई किया जाता है कि स्कूल के अंदर कोई ऐसा रूम या ऐसा हॉल सेलेक्ट किया जाए जो बिल्कुल मिडल में हो ताकि बाहर के डिस्टर्बेंस क्या है लाइब्रेरी तक ना पहुँचे और बाकी चीज़ों के डिस्टर्बेंस भी लाइब्रेरी में भी ना पहुँचे. और बाकी जो हमारे सोसाइटी के अंडर्स भी जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज बनी हुई हैं वो भी इस रूप में ही रखी जाती हैं कि बच्चा की वो इस मोड़ पर हो या ऐसी जगह पर हो जहाँ पे नॉइज़ डिस्टर्बेंस और बाकी कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ऑन रोड जैसे लाइब्रेरीज होते हैं तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक का शोर वगैरह आता ही है, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं कि जल्दी पहुंचने की फैसिलिटीज़, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट आपको वहां पे मिल सके पहुंचने के लिए, कोई हॉच पॉच ना हो ज़्यादा और कहीं ऐसी जगह ना हो जहां पे साइड में कम्युनिटीज़ हॉल्स हों, बैंकेट्स हों जहां पे सारा टाइम शादी और इन सब की आवाज़ें आती रहे. तो हमेशा गवर्नमेंट के लिए टूवर्ड्स भी ये ट्राई किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरीज़ को बनाया जाए. ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑफ्टन गिवन टास्क टू फिनिश आफ्टर द स्कूल. आप अपने टास्क को क्या है आफ्टर जो स्कूल टाइमिंग है आपका उसको ख़त्म करने के बाद भी लाइब्रेरीज में बैठ के अपनी सेल्फ लर्निंग कर सकते हो. उसमें कोई बाउंडिंग नहीं है आपके ऊपर. आपका स्कूल 12:30 बजे ख़त्म होता है, 2 बजे ख़त्म होता है और आपको पता है कि आप ट्यूशंस नहीं लेते हो, आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप जाइए लाइब्रेरी में जाइए, बुक उठाइए, आपको 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, जब तक लाइब्रेरी बंद होती है 7:00 बजे 6:00 बजे आप तब तक बैठ के पढ़िए, आपको कौन रोक रहा है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है. तो इसीलिए वहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि आपका स्कूल टाइमिंग मिक्स हो जाएगा या अदर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएंगी, पैसे देने पड़ेंगे. तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी क्या है आपकी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराती है कि आप अपने स्कूल टाइम के बाद भी यूज़ कर सकते हो लाइब्रेरी. ठीक है, डेवलप इट्स लिटरेसी स्किल बाय रीडिंग रेयर बुक्स ऑफ लिटरेसी. अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा क्या है, जब खुद से पढ़ना सीखता है, जब खुद से लर्निंग कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो उसकी एक भाषा पे कमांड हो जाती है, मतलब एक आदत डेवलप हो जाती है, उसे एक एक अक्षर रट जाता है, उसे एक एक बात ऐसी पता होती है भाषा पे कि उसके सामने कोई अनअरेंजमेंट वाली चीज़ें भी लेकर आओगे ना तो भी वो उसको पकड़ के बता देगा कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है. क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज में बैठ बैठ के उसने इतनी तो किताबें चाट ली हैं, इतनी तो उसकी पकड़ हो गई है भाषा पे या लिटरेसी पे या अपनी स्किल्स पे कि वो वहाँ पे किसी भी तरीके की चीज़ें आपको अच्छी या बुरी बता सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है मैगजीन्स एंड पिटोरिकल कीप्स द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड. स्कूल्स में जो लाइब्रेरीज होती हैं
उसमें आपकी पाठ्यपुस्तक करिकुलम और कंटेंट से रिलेटेड जो किताबें होती हैं उसके अलग मैगजीन्स और कुछ ऐसी पिटोरिकल बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं कि आपकी डेली न्यूज़ क्या हो रही है वो है, या फिर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, वो आपको अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे आपके साथ शेयर करता है, आपको पढ़ने के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हो। अगर केवल किताबें ही चाटते रहोगे कि किताबें खोली पढ़ा मार्क्स गेन कर लिए ख़त्म, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपको वो बातें पता ही नहीं है तो क्या करोगे ऐसी नॉलेज का, जब आपको यही नहीं पता कि जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर कैसा एनवायरमेंट है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का राजनीतिक तंत्र कैसा है, लोकतंत्र क्या है, कौन कौन नेता हैं, कब आपको कौन से मौसम ऋतु मिल रहे हैं, क्या आपके कौन सी मौसम ऋतु में फल और ये भोजन आ रहे हैं, तो आपकी स्टडीज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होके अवेयर नहीं हो। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है, एक आपको अवेयरनेस वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप मैगजीन्स और पिटोरिकल जो आपकी बुक्स होती हैं उनके थ्रू अपने एनवायरनमेंट से जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल। अब लाइब्रेरी के थ्रू क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई होता है, ऑफकोर्स सी बात है अगर मुझे कोई दो लाइनें मेरी मैडम के थ्रू बताई गई हैं कि इससे रिलेटेड ये है, लेकिन मुझे दो लाइनें ही पता है, ठीक है, मैं कहीं पे प्रेजेंट करूँगी तो दो लाइनें ही करूँगी क्योंकि मुझे दो लाइनें पता है, लेकिन अगर वो दो लाइनों के बाद एक्स्ट्रा मैंने चार लाइनें लाइब्रेरी में रखी बुक से या उससे अलग कंटेंट से या इंटरनेट से कोई भी डिजिटल चीज़ से सीख ली तो मेरे पास टोटल छः लाइनें हो गई, देन मैं अपने आप को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाऊँगी। ठीक है, और एक और चीज़ इस वे में भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है बच्चे का कि जो बच्चे अपने कंटेंट की डीप नॉलेज रखते हैं, क्योंकि बुक्स में पुस्तक में कंटेंट में जितना है आपको नॉलेज है एक बच्चे को, लेकिन एक को उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको, जैसे मैंने बताया 12th क्लास के बच्चे को 12th से अलग ग्रेजुएशन का वो कंटेंट रख लेता है अपने टॉपिक में या सेम टॉपिक है उससे कुछ उठा लेता है तो उसको उसकी भी नॉलेज हो गई, तो जब सामने वाला बच्चा अपनी आंसर शीट करेगा या अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो वो केवल उतनी ही बातें बोलेगा जो उसने 12th में पढ़ी है, लेकिन एक बच्चा 12th प्लस ग्रेजुएशन की भी बोलेगा तो सब बच्चे सोचेंगे यार इसके पास तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको ये बातें कहाँ से पता चली, इतनी डीप नॉलेज इस क्लास में। तो ये सारा चीज़ें क्या है, आपकी लाइब्रेरी हेल्प करती है एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने में, जब बच्चे को ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ मेरा इससे मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया या बाकी मेरे से जो अलग थे सबका ये वे था कि सबके पास नॉलेज इतनी थी लेकिन मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पता है, तो बच्चे में खुद में एक प्राउड फील होगा कि वाओ मेरी लाइब्रेरी कितनी यूज़फुल है मेरे लिए कि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है या बाकी बच्चों से मैं अलग हूँ, मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है तो नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसा ही करूँगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, एक प्राउड फील होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी लाइब्रेरी के थ्रू हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी का ये भी यूज़ एंड एडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट लेवल टूवर्ड्स हाँ इसके अंदर बच्चों का जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ हम क्या है बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, इंक्रीज इंटरेस्ट लेवल, क्योंकि बच्चा जब लाइब्रेरी में जाना शुरू करता है मैगजीन से लेके फिर हाई जो हाईएस्ट स्टडीज़ की बुक होती है उनको पढ़ता है तो बच्चे का अपने आप ही इंटरेस्ट स्टडीज़ के टूवर्ड्स क्या है डेवलप होता जाता है। वहाँ पर क्या है बच्चे को कुछ भी डंडा मार के पढ़ाई नहीं करवानी पड़ती, पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता कि पढ़ो पढ़ो क्यों नहीं पढ़ रहे, बच्चे को खुद को पता है या उसके पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चा खुद पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, ऑलवेज बुक लेके बैठा रहता है, लाइब्रेरीज जाता है, टीवी पे भी देखता है तो न्यूज़ सुनता है, कंप्यूटर का भी यूज़ करता है तो नेट पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सर्च करता रहता है, तो ये सारी हैबिट्स जो डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर उसके इंटरेस्ट के साथ साथ लाइब्रेरी के थ्रू डेवलप कराई जा सकती है। ठीक है, ये थे इसके यूजेस एंड एडवांटेजेस, आई होप आपको समझ आए हो और अच्छा कंटेंट हो, और उसके बाद बात करते हैं अब इसके लिमिटेशंस। ठीक है,
कि इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगी, तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं आपकी लाइब्रेरी की, उस पर बात करते हैं। जो आपकी लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि फिज़िकल एनवायरनमेंट की कमी, मतलब लैक ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट या टू नॉट बी अप्रोप्रिएट द फिज़िकल एनवायरनमेंट, जो आपका भौतिक एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वो अगर अप्रोप्रिएट ना हो बच्चे की स्टडीज़ के लिए या लाइब्रेरी के अंदर, तो वो जहाँ पे आप एक लाइब्रेरी का एडवांटेज लेके चल रहे हो ना कि बच्चे को हेल्प करेगा, वो उसको डिसहेल्प भी कर सकता है, मोटिवेट करने की बजाय डिस्करेज भी कर सकता है। किस वे में, कि मान लीजिए कि बच्चा अपनी स्टडीज़ करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसके क्या है, प्रॉपर सिटिंग प्लान नहीं है, मतलब सिटिंग बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, टेबल नहीं है, फ़ैन अच्छे से मूव नहीं कर रहे, बाहर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो बच्चा एक दिन पढ़ाई कर रहा है, दो दिन, मतलब पूरा हफ्ता पढ़ाई कर रहा है, तो लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है या मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए, वो जो अपना एक फोकस करना था स्टडीज़ पे तो वो नहीं हो पाया उसका फोकस, तो क्या हुआ, उसने टाइम की बर्बादी भी कर दी, एक हफ्ता भी बर्बाद कर दिया, लेकिन वो आज भी इसी स्टेज पे ऊपर आया ही नहीं, नॉलेज ली ही नहीं, तो क्या हुआ, टाइम की बर्बादी भी हुई, एग्ज़ाम में नंबर भी कम आए, तो और क्या, क्यों नहीं हो पाया उसका फोकस, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल एनवायरनमेंट लाइब्रेरी के अंदर अच्छा नहीं था, प्रॉपर सिटिंग प्लेस नहीं था या बाकी नॉइज़ सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था, बाहर से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, लाइटें जा रही थी, फ़ैन अप्रोप्रिएट नहीं थे, गर्मी लग रही थी या किसी भी ऐसी ज़्यादा ठंड लग रही थी, या आपस में बेंचेस पे जो बच्चे बैठे हैं वो गॉसिप्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे के पढ़ाई में खनन करती हैं, कि जितना टाइम उसको स्टडीज़ के लिए देना है वो जा सोचता तो पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव जाता है, उसने टाइम भी दिया सब कुछ दिया लेकिन मेहनत रंग नहीं लाई, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया है कि लिमिटेशंस में एंटरटेनमेंट, मतलब कुछ बच्चे लाइब्रेरी को फॉर एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं, मतलब वो स्टडीज़ के लिए नहीं कि लाइब्रेरी के अंदर गए, आपका स्कूल फिनिश हुआ, अब स्कूल फिनिश के बाद आपको पता है कि आपको अपने घर वाले लेने आ जाएंगे, मॉम डैड, तो आपको गॉसिप्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, फ्रेंड को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, या कहीं घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, बाहर घूमेंगे कोई ना कोई देख लेगा, तो इसीलिए आप क्या करते हो, मॉम को झूठ बोल देते हो घर पे कि मैं ना लाइब्रेरी चला जाऊँगा पढ़ाई के बाद, तो मैं थोड़ा घर पर लेट आऊँगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी में जाके क्या करते हो, बुक्स अपने आप के आगे खोली लेकिन उधर से गॉसिप्स हो रहे हैं, चिट चैट हो रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप शांति से बैठ के ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, घर पे तो आपको आपके पेरेंट्स करने नहीं देंगे, पीछे पड़े रहेंगे कि जल्दी से चेंज करो, खाना खाओ और अपनी रिविज़न करने बैठो, ट्यूशन जाओ, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए कुछ बच्चे लाइब्रेरी को एज अ एंटरटेनमेंट भी समझते हैं, वहाँ पे मौज मस्ती काटने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसकी भी एक ये लिमिटेशन है कि हम एक प्रॉपर वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक लिमिटेशन है टू ऑर्गेनाइज दी बुक्स, मतलब आप बुक्स का इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, अगर एक बुक से रिलेटेड मान लीजिए मैथ्स की एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि एक ही बुक हो, दो बुक हो, नंबर ऑफ बुक्स कम हो, या एक सिस्टमेटिकली टाइप ना हो, एक होता है ना लाइब्रेरी भी हमेशा देखना एक सिस्टमेटिक टाइप में ऑर्गेनाइज्ड होती है, अगर आपकी रोज़ होती है कि आपकी लाइब्रेरी की रोज़ है तो आप हमेशा देखोगे कि इस वाली रोज़ में आपको सारी मैथ से रिलेटेड मिलेगी, या फिर इतना जो रो है इसमें मैथ से रिलेटेड, इसमें साइंस से रिलेटेड, इसमें हिंदी से रिलेटेड, तो क्या है, सारी बुक एक अप्रोप्रिएट टाइप पे ऑर्गेनाइज करी जाती है कि टेक्निकल अलग रखी जाए, नॉन टेक्निकल अलग रखी जाए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाई तो यहाँ से है साइंस की, वहाँ पे इशू कराने के लिए गए और उनको पसंद नहीं आई, सोचा दो ही बुक इशू होंगी यार, फिर क्या करना है, आके हिंदी वाली में रख जाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे दूसरे बच्चे को किसी को वो बुक चाहिए होगी, वो सारा ये वाला बेंच छान मारेगा कि इसमें तो मैम मिली ही नहीं, नर्वस होके घर चला जाएगा कि मुझे तो बुक मिली ही नहीं, अब वो वाली बुक का थी इसमें रखी थी, अगर उस टाइम पे अरेंज नहीं कराया गया, क्योंकि जो बुक्स का अरेंजमेंट होता है वो भी लाइब्रेरी बंद होने से पहले एक बार अरेंज कर दिया जाता है कि सारे बच्चे चले
चाहिए कि अब आराम से बैठ के सारी बुक को छाट के जो यहाँ पे पढ़ी है उनको अरेंज कर दिया जाए, जो नई बुक्स आई हैं उनको अरेंज कर दिया जाए। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि बुक्स का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, टाइम टाइम पे लाइब्रेरियन को चेक करते रहना चाहिए कि कब जो बुक्स बच्चे ले रहे हैं अगर डेस्क पे पटक गए हैं या इधर उधर रख गए हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस दें कि आप जहाँ से बुक उठाएं वहीं पर रखें, या फिर फ़ाइन उनके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि एक जो आप एज अ लाइब्रेरियन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टाइम टाइम पे चेक करते रहें, आप क्या है टाइम टाइम पे चेक करते रहें कि सारी बुक्स इधर उधर तो नहीं है, प्रॉपर अपनी जगह पर है कि नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स पूरी हैं कि नहीं है। कई बार कुछ बदमाश बच्चे क्या करते हैं, एक बुक के नीचे एक बुक फंसा के ले जाते हैं, जैकेट के अंदर डाल के या पीछे छुपा के ले जाते हैं, उनको बुक इशू नहीं करानी होती कि मैम तो दो ही या तीन बुक ही इशू करेंगी लेकिन मुझे ज़रूरत तो ज़्यादा बुक की है तो मैं छुपा के ले गया, तो वो नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाती है, हमारे रिकॉर्ड्स में तो वो किसी को दी नहीं गई। तो हमारे हिसाब से इस बुक की 5 कॉपीज होनी चाहिए लेकिन लाइब्रेरी में मिल 4 ही रही हैं, तो वहाँ पे फिर पेनल्टी लगती है, वहाँ पे आगे जवाब तलब देना पड़ता है कि बुक कहाँ मिस हो गई, किसको इशू करी, कहाँ से नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, एक लाइब्रेरियन को ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी। अब जब हमने लिमिटेशंस की बात कर ली, एडवांटेजेस की बात कर ली, तो हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी का पहला पॉइंट यही है कि आपको कैसे लाइब्रेरी का यूज़ करना है, कैसे एप्रोप्रिएट तरीके से ध्यान रखना है। अब एज अ लाइब्रेरियन सोचिए कि एज अ लाइब्रेरियन अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक लाइब्रेरी की, तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें करना चाहेंगी। आप सबसे पहले बुक्स का ध्यान रखेंगी कि वहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स पूरी हो ना, वहाँ पे जो बाकी फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो एप्रोप्रिएट हो, क्या वो फिज़िकल हो, सीटिंग प्लान हो, फैंस वगैरह हो या बुक्स की रैक्स हो, ये सब। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है वहाँ पे लाइब्रेरी का यूज़ करवाते टाइम कि कोई भी बुक कटी फटी ना हो, जिस बच्चे को जैसी कंडीशन में इशू करी गई है रिटर्न लेते टाइम वो उसी कंडीशन में मिले। ये नहीं कि जब बुक इशू करी थी तो वो बिल्कुल ठीक थी लेकिन जब बुक बच्चा वापस करने आया तो उसका आगे का पेज गायब है, बीच में से बुक में से 2-3 पेज गायब है। कई बार टीचर होते हैं ना कि लाइब्रेरियन टीचर्स और जो बुक इशू करते हैं, बच्चे आते हैं मैम बुक और उन्होंने एंट्री करी लेके उधर पटक दी, वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ चेक करनी है आपको, बीच में से पूरा देखना है कि नंबर ऑफ पेजेस पूरे हैं कि नहीं। कई बार ऐसे होता है बच्चे को 15वें पेज की ज़रूरत थी, कौन नोट्स में बताएगा, बच्चे ने पेज ही फाड़ के रख लिया, मैम को क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बुक्स के पेजेस भी ध्यान से देखने हैं, जिल्द भी ध्यान से देखनी है, कवर भी ध्यान से देखना है, बुक चेंज तो नहीं है ये भी ध्यान से देखना है, ठीक है। ये भी एक लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके बाद और हम क्या उपयोगिता हो सकती है लाइब्रेरी की, मतलब क्या यूजेस हो सकते हैं कि वहाँ पे एप्रोप्रिएट आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, बाकी सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, शोरगुल वातावरण नहीं होना चाहिए कि नॉइज़ आपका ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली नॉइज़ आ रही है, या इस चीज़ की चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। टाइमिंग्स का ध्यान रखना चाहिए कि जिस टाइम पे लाइब्रेरी ओपन हो रही है, क्लोजिंग टाइम है, आपको उससे पहले क्या है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि टाइम ये है, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक टाइम टेबल बना के, चार्ट बना के आप लाइब्रेरी के बाहर या किसी दीवार पे लगाएं कि बच्चों को टाइम की पता हो। अगर ऐसा है कि आप लाइब्रेरी 4 बजे बंद कर रहे हो लेकिन कोई बच्चा सोचेगा कि 5 बजे तक बंद होगी, ठीक है मेरे को एक बुक लेनी है, फटाफट भाग के जाता हूँ, 4:30 बजे पहुँच जाऊँगा और फटाफट ले लूँगा, लेकिन तब तक तो लाइब्रेरी बंद हो गई। तो इसीलिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों को एप्रोप्रिएट तरीके से बतानी चाहिए, सारी बात उनको बतानी चाहिए। आपको एक ऐसा टाइम टेबल या चार्ट रेडी करना चाहिए जो वहाँ पे दीवारों पे लगाया जा सके और बाकी चीज़ें, ठीक है। और कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के अंदर रखनी चाहिए उपयोग में, लाइक ये नहीं कि लाइब्रेरी है तो आप वहाँ पे सिर्फ किताबें ही रखें, लाइक उसमें मैंने कहा ना कि मैगजीन्स और ये सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे रख सकते हो, उसके अलावा कुछ एड्स भी आप वहाँ पे रख सकते हो, कुछ कंप्यूटर्स, लाइक पूरा कंप्यूटर रूम नहीं बनाना है उसको, 1-2 कंप्यूटर्स वहाँ पे रख सकते हो आप यूजेस के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चा क्या कर रहा होता है, अगर बच्चे को किसी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए होता है
और वो ढूंढ रहा है कि मुझे इस बुक्स में मिल गया लेकिन थोड़ा सा कम मिला है या इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, तो फटाफट गूगल करके वहीं पे सर्च करके देख लेगा, देन उसके लिए उसको वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्लियर है, चलो इस बुक से मैं अपनी नॉलेज कंप्लीट कर सकता हूँ तो ये बुक इशू करा लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चा क्या करेगा, पहले बुक इशू कराएगा, फिर कंप्यूटर लैब जाएगा, फिर वहाँ पे अपनी टाइमिंग्स करेगा, देन वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करेगा। अगर उस कंडीशन में उसको पता चलता है कि मेरे लिए बुक अप्रोप्रिएट नहीं है, देन वापस लाइब्रेरी आएगा, उसको चेंज करेगा, उसकी एक एंट्री तो हो गई बुक्स की, नेक्स्ट टाइम क्या है उसको दो एंट्रीज और फ्री है कि एक बुक को आप तीन टाइम क्या है इशू करा सकते हो, उसके बाद इशू नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है उसका एक लॉस हो गया, दो लॉसेज भी ऐसे हो जाएंगे तो वो कभी उस बुक को पढ़ नहीं पाएगा जब उस टाइम पर उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी इसका यूजेस में आता है, सॉरी उसके उपयोगिता वगैरह में आता है। तो अब ये बातें आपको सारी पता चल गई, तो इसके अंदर आज हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हम म्यूजियम्स और क्लब के बारे में पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो लाइब्रेरी के बारे में आई होप आपको समझ आ गया हो, कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ समझना बाकी है तो आप कमेंट सेशन पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए फॉर योर बेस्ट नोटिफिकेशंस। और अगर KVS PGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।